मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ FIR होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? वारिस पठान ने कहा कि इससे ज्यादा नफरत तो उनको कभी दिखाई नहीं पड़ी। वाकई नहीं दिखाई पड़ी होगी। जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने को नफरत नहीं थी, 20 करोड़ 25 करोड़ पे भारी पड़ेंगे वो नफरत नहीं थी, 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत करी वो नफरत नहीं थी, कश्मीर घाटी में हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी घर की महिलाओं और बेटियों को छोड़ जाओ, ये नफरत नहीं थी। तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आइए सुनते हैं ऐसी बातें जो देश की आजादी के 70 सालों बाद एक नई हिस्ट्री बना गई है जिस पर भारत के आम लोग गर्व कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे वीडियो को रीच मिले, वायरल हो सके। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आप देखिए, उल्लंघन संविधान का कर रहे हो, इक्वालिटी इक्वालिटी। अब मैं सुधांशु जी से डायरेक्ट सवाल करूंगा। सुधांशु जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संविधान की ओथ लेकर अगर एक बनता है, वो एक रस्ते पे खड़े रहकर पब्लिक भीड़ जमा करता है और वहां खड़े रहकर मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात करता है, तो क्या ये सही है या गलत है? सवाल नंबर दो, क्या उसके खिलाफ FIR होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सवाल नंबर तीन, क्या मोदी जी उसको उसके बात का खंडन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? सवाल नंबर चौथा, एक वही वह विश्व हिंदू परिषद का आदमी दिल्ली में ही स्टेज पर खड़े होकर बोलता है मुसलमानों को चून चून कर मारना चाहिए, क्या उसकी बात का खंडन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ FIR होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब मैं जवाब देता हूँ जी। ये बताइए, जब मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा? उस सांसद के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, नहीं, सवाल पे सवाल। उस विधायक के खिलाफ क्या होना चाहिए जो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो? उन्होंने थोड़ी कहा कि सवाल, जवाब दीजिए, कार्रवाई क्या की है तब पूछिएगा। पहले बताइएगा आपने क्या कार्रवाई की है। क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या? अब ये बताइए, 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ जाएंगे हिंदू देवी देवताओं के लिए गंदी से गंदी भाषा का प्रयोग करना और विदेशी हमलावरों को अपना बाप बनाना। हम तो कह रहे हैं कि जो उन्होंने बोला वह पार्टी की लाइन नहीं, हम उससे गलत कहते हैं। आपके किसी नेता ने यह भी बोला हो तो बताइए। और आर्थिक बहिष्कार की यदि बात कही गई तो इस पे कानून की कौन सी धारा लगती है? और मार के खत्म कर देने की बात कही गई, खत्म कर देंगे, पुलिस हटा लो, तुम्हें बचाने कौन आएगा? आप तो वकील हैं, बताइए दोनों पे कौन कौन सी धारा लगती है और उस धारा में कितनी सजा होती है, जरा बता दीजिए, फिर मैं उसका उत्तर देता हूँ। अच्छा। अरे क्या फंस गया मुंह में, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? वो जो प्रसाद स्कीम है उसके अंदर तो 25 ऐसे जगह है, तो फिर महाकाल की भव्यता से दिक्कत क्यों? वारिस भाई होल्ड ऑन। यही नहीं, अभी और सुनिए। वारिस पठान ने कहा कि इससे ज्यादा नफरत तो उनको कभी दिखाई नहीं पड़ी। वाकई नहीं दिखाई पड़ी होगी। जब 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने को नफरत नहीं थी, 20 करोड़ 25 करोड़ पे भारी पड़ेंगे वो नफरत नहीं थी, 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत करी वो नफरत नहीं थी, कश्मीर घाटी में हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ और अपनी घर की महिलाओं और बेटियों को छोड़ जाओ, ये नफरत नहीं थी। केरल में हाथ काटे जा रहे थे वो नफरत नहीं थी, सर काटे जा रहे थे वो नफरत नहीं थी, दंगों की श्रृंखलाएं थी वो नफरत नहीं थी। इतना ही नहीं, इमाम बुखारी का स्टेटमेंट याद करिए 1987 में, कि हर सरकार हमारी कदमबोसी करके ही हुकूमत में रहेगी। राजीव गांधी को समझा रहे थे कि तुम्हारी माँ भी हमारी कदमबोसी करके हुकूमत में रहती थी और नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगते थे बोर्ड पर। वो नफरत नहीं थी, ये सब सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत था। इस सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। वरना ये पूछिए इनसे कि ये बेरोजगारी महंगाई बेबसी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जहां इनकी 70 साल से लगातार सदारत रही है, सांसद हैदराबाद से इन्हीं की पार्टी के बनते आए हैं ओवैसी साहब, उससे पहले उनके पिताजी, उससे पहले उनके पिताजी, वहां पूछिए कि मुसलमान जो वहां निजामुल मुल्क था, हुक्मरान वक्त था, आज इतना मजलूम कैसे हो गया कि अरब के शेख 10-10 साल की बच्चियों को ले जाते हैं, उसके लिए दिल में क्यों नहीं कसक उठती है? क्यों किसी अरब के शेख के खिलाफ नहीं बोला? क्यों वो मौलवी निखार पढ़ाते हैं उन अरब के शेखों के साथ, उसके लिए नहीं बोला? ये फंस गया सर। अब तो सर बोल दे। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन वाले से पूछ रहा हूं, ये इमराना का फतवा भूल गए उत्तर प्रदेश में कि मतलब उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया तो वो ससुर की पत्नी अपने पति की मां हो गई और उसके बाद सब चुप, कोई नहीं बोला। मगर आज अगर सभी धर्मों के लिए प्रसाद वितरण की बात हो जाती है तो समस्या नजर आती है। अभी स्वामी दीपांकर जी अच्छा बोल रहे थे, उन्होंने कहा ये महाकाल की नगरी है मान्यवर। भैया एक बात बोले, बड़ा बढ़िया बोलते हैं।
यहां से वो काल गणना होती थी कि अगर आज भी अगर आप पूछिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है तो नासा की फिजिकल ऑब्जर्वेटरी जो डेट टाइम एंड मिनट्स बताती है, उज्जैन की काल गणना से बने पंचांग में वही होता है जो हजारों सालों से चला आ रहा है। हमारे यहां के पंचांग में न धरती चपटी थी, न धरती चौकोर थी और न धरती सकीन थी, इसलिए ये विज्ञान का भी एक प्रतीक है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। अब कौन पकड़ के ले गया इसे? मैं तो कहता हूं भारत देश में जन्म लिया है तो इस विज्ञान की उस चीज से आके जुड़िए कि हजारों साल के बाद भी हमारी काल गणना वो सटीक है, उज्जैन के महाकाल की काल गणना जो कि नासा की ऑब्जर्वेटरी 1950 के बाद आई है, उसके बाद भी कभी आपने मिनट्स और सेकेंड में भी अंतर देखा हो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में तो बताइएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये सिर्फ धर्म की बात नहीं है, ये विज्ञान और विज्ञान की बात है, इसलिए इसको मजहबी चश्मे से अलग हटके देखिए। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे लाल सब्सक्राइब को टच कर ब्लैक कर दें और बेल को टच कर ऊपर की बेल ऑन कर। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। जय हिंद।